नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। बानपुरा के स्कूली बच्चे कर रहे हैं अध्यापक नियुक्त करने की मांग। शनिवार को बच्चों के धैर्य ने दिया जवाब। आक्रोशित होकर स्कूल के जड़ा ताला, 2 घंटे तक स्कूल के बाहर और 2 घंटे तक सायरा बानपुरा सड़क पर किया धरना प्रदर्शन। लिखित आश्वासन पर धरने से उठे। विगत 1 साल से बानपुरा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के रिक्त पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति करने की मांग कर रहे विद्यार्थियों का धैर्य जवाब दे गया। आक्रोशित स्कूली छात्र व छात्राओं ने स्कूल के तालाबंदी कर दी। करीब 2 घंटे तक मांग को लेकर स्कूल के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान गांव के कई लोग मौजूद रहे। उसके बाद सभी बस स्टैंड पर पहुंचे और सायरा केलवाड़ा मार्ग पर धरने पर बैठ गए। यहां करीब 2 घंटे तक मार्ग को अवरुद्ध किया। बच्चों ने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का पुतला भी जलाया। इस दौरान सायरा क्षेत्र के ASI सत्यनारायण मह जापते के मौजूद रहे। उन्होंने सड़क पर न बैठने के लिए विद्यार्थियों से समझाइश की, लेकिन वे नहीं माने। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे CBO ऑफिस के रिसोर्स पर्सन जगदीश पालीवाल व नायब तहसीलदार लक्ष्मीलाल ने छात्र छात्राओं से समझाइश की। करीब 1 घंटे तक समझाइश करते हुए 1 सप्ताह में अध्यापकों की नियुक्ति करने का आश्वासन दिया, लेकिन छात्र लिखित आश्वासन पर अड़ गए। बाद में जगदीश पालीवाल द्वारा सोमवार से अधीनस्थ स्कूलों से 5 अध्यापक और शिक्षा संबल योजना के तहत 6 विद्यार्थी मित्र नियुक्त करने का लिखित आश्वासन दिया। तब जाकर छात्र धरने से उठे। यानी अब सोमवार से बानपुरा स्कूल में 5 शिक्षक और 6 विद्यार्थी मित्र सेवाएं देंगे। छात्रों ने बताया कि विद्यालय में 269 छात्र है। उन्होंने बताया कि प्रधानाचार्य का पद लंबे समय से रिक्त है। यहाँ पर व्याख्याता के 3 पद है और तीनों ही पद रिक्त है। वहीं 5 पद वरिष्ठ अध्यापकों के हैं, जिनमें से 4 पद रिक्त है। सेकेंड ग्रेड के अध्यापकों की 6 यहाँ पर सीटें हैं। 6 पद जो है यहाँ है, उनमें से 3 पद रिक्त है। पुस्तकालय प्रभारी का पद यहाँ पर है, वो भी रिक्त है। कनिष्ठ सहायक का पद भी रिक्त है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 2 पद है, उनमें से 1 पद रिक्त है। यानी कुल 21 पदों में से 14 पद रिक्त है। ऐसे में शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है और इसी को लेकर छात्र छात्राओं में रोष व्याप्त है। उधर पंचायत समिति सदस्य रविंद्र सिंह, वार्ड पंच वाग सिंह, भाजपा महामंत्री गहरीलाल मेघवाल, प्रताप सिंह राणावत, विक्रम सिंह, उत्तम चंद जैन सहित ग्रामीणों ने बताया कि अध्यापकों के रिक्त पदों के कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान मांग पत्र दिए गए। वे कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दिए गए, लेकिन हर बार केवल आश्वासन देकर इतिश्री कर ली गई। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सोमवार को अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारे साथ विद्यालय के विद्यार्थी हैं, जिसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं के छात्र छात्राएं हैं। हम इनसे बात करते हैं। 9वीं से ये छात्र हैं। बताइए, आपके कौन कौन से विषय के अध्यापक नहीं हैं? खाली एक विषय के अध्यापक है, वो भी इंग्लिश के। इंग्लिश के, वो भी आप बता दें प्रतिनियुक्ति पे है, स्थायी नहीं है। ठीक है, बाकी विद्या ठीक है। 10वीं की हम छात्राओं से बात करेंगे। जी बताइए, आपके कितने अध्यापक अध्यापिकाएं हैं? हमारे इंग्लिश के सिर्फ 1 टीचर है। अच्छा, आपके भी वही इंग्लिश वाली मैडम है जो इनके हैं? ठीक है, वो भी प्रतिनियुक्ति, मतलब दूसरा कोई पढ़ाने नहीं आता आपको? नहीं आता। ठीक है, आपके 11वीं में विषय अध्यापक कितने हैं? एक ही हमारे वो इंग्लिश के मैम है, वो भी प्रतिनियुक्ति पर है। आपको भी वही पढ़ाते हैं, दूसरे को अध्यापक पढ़ाने नहीं आते हैं? यानी कि आपके जो सब्जेक्ट हैं हिंदी, पॉलिटिकल एंड हिस्ट्री, उसका कोई अध्यापक है ही नहीं आपके? एक लेसन भी नहीं हुआ है, हमें बोलते पढ़ो पढ़ो, हम क्या पढ़े, खुद खुद समझ ही नहीं आता है, सब हम पे तोप रहे हैं, फिर बोलते फेल होते आते फिर फेल ही होंगे ना फिर करते हैं। हां सर, 12वीं में भी आपके यही पढ़ा रहे हो? जैसे बैग लेके आते घर से, बस बाबा घर पे जा रहे हैं। और एक टीचर मैथ्स वाले, वो यहां पे यहां से पकड़ के था। अच्छा, राजेंद्र जी व्यास के बारे में बता रहे हैं आप? वो यहां की पकड़ के था, बायोलॉजी का टीचर है। और मैथ्स के टीचर नहीं होने के कारण बच्चों की सबकी मैथ्स नहीं वीक है, उन्हें जोर का भी ध्यान नहीं आता। फिर पिछले साल हमारे 10वीं में 7 लड़के पास हुए, 36 में से 40 में से 7 बच्चे पास हुए अभी तक। क्या रिजल्ट रहेगा फिर? ठीक है, बोलते हैं टेंथ में है ना 35 तक बोलते पढ़ के नहीं, कहाँ से पढ़ेंगे, कोई टीचर भी नहीं, हमारी कोई नहीं सुनता, फिर सारे हम पे सोचते
जितनी पोस्ट खाली है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या स्थिति है, विद्यार्थियों की शिक्षक कहीं पर गुम है, कोई आता नहीं है, कोई है तो वो पति नियुक्ति पर है, स्थायी नियुक्तियों की मांग है छात्र छात्राओं की। यही हाल है राजस्थान के विद्यालयों का, मन मर्जी से आते हैं अध्यापक और मोटी तनख्वाह उठाते हैं और शिक्षा नहीं दे पाते हैं, बहुत ही दुख की बात है। 5-5 किलोमीटर से चल के आते हैं, कुछ खाते नहीं हैं। 7 बजे का टाइम है, 10 बजे आते हैं, 7 बजे का टाइम है और 10 बजे आ रहे हैं विद्यालय में टीचर। सब इसका ये